मैं उर्दू स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल जो है ऑलरेडी कन्वर्टेड टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, उर्दू स्कूल में पढ़ता था। उर्दू स्कूल में पूरे मैथ्स सोशल साइंस पूरा उर्दू में था, और उस वक्त एक बात थी, उर्दू स्कूल से पढ़ने वाला लड़का और जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादा काम है, ज़्यादा मुझे तफे को नहीं जाते, ज़्यादा फॉर्म नहीं रखते और अच्छी अच्छी नौकरी में नहीं जाते, छोटे छोटे नौकरी में जाते, बट इट इज़ नॉट पहले जैसा ऑलरेडी दूसरे लोग बोले हैं, ख्वाब रखना है, सोचना है कितनी दूर जाना है और उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करना है। आई रिटायर्ड फ्रॉम LIC एज डिप्टी जोनल मैनेजर, सो एस्टीम द पोजिशन आई जस्ट आई डिड आई कुड गेट एंड जस्ट आई रिटायर्ड फ्रॉम LIC, बट नॉट दैट नोबडी विल जस्ट क्या है ओवर हैज स्टडीड इन उर्दू स्कूल दे डिड नॉट गेट गुड पोजिशन, मेनी ऑफ द पीपल मेनी ऑफ द स्टूडेंट दे हु स्टडीड इन उर्दू स्कूल दे गॉट वेरी गुड पोजिशन। दूसरी बात, माँ के कदमों पर कदमों के नीचे जन्नत होती है बोलते हैं। जन्नत क्या होती है? जन्नत एक्चुअल से माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, इसका मतलब है माँ अपने बच्चों को चाहे अच्छे अखलाक से अच्छा पढ़ा के अच्छे अखलाक सिखा के जन्नत तक ले जा सकती है और दोजख को ले जा सकती है। ये माँ पर क्या डिपेंड होता है, अगर आप अच्छा पढ़े तो आपके बच्चे भी आपसे ज्यादा बढ़ के जाएंगे और आप अपने बच्चों को सीधा जन्नत की तरफ ले जाने का जो रास्ता है बाधा तक है। इसीलिए आप सब लोग आप सब बच्चे अच्छा पढ़ना, और ज़्यादातर देखने में आया है कि बहुत से बच्चे मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं घर पे, बेटर जितना चाहिए उतना इस्तेमाल कीजिए, दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टडी, उसके बाद में आप जितना चाहिए यूज कर लीजिए बाद में कब आपके पोजिशन आने के बाद, बट बिफोर दैट इट्स बेटर फॉर यू टू स्टडी फर्स्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू इन योर लाइफ। ये जो एजुकेशन आप डेडिकेशन से पढ़ते हैं प्लीज ज़्यादा मेहनत लगा के पढ़िए, बाद में आपको मोबाइल क्या और कुछ जो कुछ चाहिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ज़िंदगी में देखने के लिए करने के लिए, लेकिन ये वक्त जो है आपको फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट टू स्टडी विद डेडिकेशन, एंड हम जब पढ़ते थे तो ये गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं था, कैरियर गाइडेंस वगैरह नहीं था, जस्ट मैं जब 5th स्टैंडर्ड पढ़ता था तो 4th स्टैंडर्ड पढ़ता था तो 5th स्टैंडर्ड वाले जो थे लड़के किधर गए नहीं मालूम था मेरे पास, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दे हैव गॉन, व्हाई दे आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल। बट आजकल के बच्चों को पूछो तो जस्ट बोलता है मैं भाई डॉक्टर बनूंगा इंजीनियर बनूंगा, हम आपके छोटे छोटे बच्चों का पास नहीं क्या इसके बाद क्या पढ़ना है तो मालूम है, तो मैं डिग्री जिसको नॉर्मल से क्या था उस वक्त कैरियर गाइडेंस के लिए कोई नहीं था बताने के लिए करने के लिए, लेकिन आज कैरियर गाइडेंस के लिए सब ऑलरेडी शुरू होते हैं अकेडमी शुरू करते हैं, आज बहुत अच्छे बात करके मुसलमान हर एक के लिए एक अकेडमी खोली गई है, इट्स रियली गुड थिंग। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टडी concentration and study well and then get good position and become good mothers too. Thank you very much.